नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी लाइव। आइए नजर डालते हैं खेल जगत की बड़ी खबरों पर। नॉर्वे के कार्लसन फिर बने शतरंज के बादशाह, रूस के कारजानी को हराकर तीसरी बार जीता विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष शहरयार खान ने लगाया भारत पर आरोप, कहा भारत क्रिकेट के नाम पर करता है राजनीति, भारत के साथ खेलने के लिए नहीं मांग रहे हैं भीख। क्रिकेट जगत में एक बार फिर लगे 6 गेंदों पर 6 छक्के, युवराज सिंह रवि शास्त्री के बाद वेस्टर्न रेलवे के सागर मिश्रा ने किया कारनामा। सागर 6 गेंदों में 6 छक्के जड़ने वाले बने तीसरे क्रिकेटर। T20 एशिया कप के फाइनल में पहुंची भारतीय महिला क्रिकेट टीम, मिताली राज ने खेली शानदार अर्धशतकीय पारी, श्रीलंका को 52 रनों से हराया। 8 अंकों के साथ 6 टीमों की तालिका में टॉप पर भारतीय टीम। और वेस्टइंडीज के बल्लेबाज जेरेन ब्रावो करेंगे वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। जिम्बाब्वे में त्रिकोणीय सीरीज से पहले टीम से बाहर किए जाने का है मामला। इससे पहले अनुबंध को लेकर ब्रावो ने बोर्ड के खिलाफ की थी अभद्र टिप्पणी। तो ये थी खेल जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए टीवी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।